बहुत गंभीर आरोप केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के ऊपर लगाए और ये आरोप सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, ये आरोप सीधे सीधे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये में लेके तहत आते हैं और इन आरोपों के तहत जब ये कहा जाए कि एक ही दिन 20 जनवरी को 13 कंपनीज के माध्यम से पैसे एक ही दिन में ट्रांसफर हो जाएं, जब ये कहा जाए कि एक ही एड्रेस के ऊपर 180 से भी ज्यादा कंपनीज एक ही एड्रेस के ऊपर खोली जाएं, जिसके अंदर कई फॉरेन कंपनीज हो, तो ये अपने आप में बहुत ही संजीदा आरोप। कपिल मिश्रा जी के साथ में जो मिस्टर नील जो आज प्रेस वार्ता में थे, इन्होंने इससे पहले भी इस तरीके के आरोप अलग अलग समय पे लगाए हैं और जो बातें आज कही गई हैं कपिल मिश्रा के द्वारा, ऐसा संभव नहीं है कि ये सरकारी एजेंसीज को इसकी जानकारी ही ना हो। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब ये सरकारी एजेंसीज को इसके बारे में जानकारी थी तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक इनको प्रोटेक्ट क्यों कर रही थी? सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार को इसके बारे में जानकारी थी तो फिर अभी तक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, पीएमएलए के तहत अभी तक के कोई भी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? आनंद शर्मा जी ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि आप पार्टी का एक एमएलए लंदन जाकर के वहां से सेपरेटिस्ट ग्रुप से भी पैसे इकट्ठे करके लेकर के आया। फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी यह स्टेटमेंट दिया है कि हैव प्रूफ ऑफ खालिस्तानी फंडिंग, आप बॉर्डर स्टेट के ऊपर पैसा जो बाहर से आ रहा है वो कैसे पैसा आ रहा है, कौन उसको दे रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठ जाता है। आज जो पार्टी अलग अलग शेल कंपनी खोल सकती है कि दो नंबर के पैसे को किस तरीके से एक नंबर करके अपनी पार्टी के खाते में दिखाया जाए और साथ साथ में अगर उसके फंडिंग फॉरेन फंडिंग है तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि यह बहुत गंभीर है। और इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि सरकार पूरी तरीके से इसकी जांच कराए कि ये पैसा कहां से आया है फॉरेन फंडिंग,